प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग रास्ते बताते थे। भारत में वैसे तो हजारों रहस्यमय मंदिर हैं, लेकिन यहाँ जो प्रस्तुत किया जा रहा है वह 10 प्रसिद्ध मंदिर के बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। कैलाश मानसरोवर, यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरु पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी है। कन्याकुमारी मंदिर, समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहाँ देवी पार्वती के कन्या रूप की पूजा होती है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न होने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के तट पर रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकर बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त, कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर तक सनसेट पॉइंट भी है। करणी माता का मंदिर, करणी माता का यह मंदिर जो बीकानेर में स्थित है बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, मंदिरों को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है, जहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पांव घिसकर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ जाए तो अब शगुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो, और यदि अपने सफ़ेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई समझो। शनि सिंगनापुर, देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगनापुर का मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि देवी की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छात्र या गुमंद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ सिंगनापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनिदेव महाराज सजा स्वयं दे देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण भी देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनि लाखों लोग आते हैं। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिनकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना भी यहाँ की गई है। कामाख्या का मंदिर, कामाख्या मंदिर को तंत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता है। माता के 51 शक्तिपीठों में एक है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मतांगी और कमला की प्रतिमा भी मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा का भी अलग अलग वर्णन किया गया है। अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में स्थित है। खजुराहो का मंदिर, आखिर क्या कारण थे कि उस काल के राजा ने सेक्स को समर्पित मंदिरों की पूरी श्रृंखला बनाई, यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित है। ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा यहीं पर देखे और घूमे जाते हैं। उज्जैन का काल भैरव मंदिर, हालांकि यह मंदिर के बारे में सभी जानते हैं,
लेकिन काल भैरव की मूर्ति मदिरापान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि काल भैरव नाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के बाहर 12 साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। ज्वाला देवी का मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीव गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य भी आकर्षण तांबे के पाइप भी है, जिसमें प्राकृतिक गैस का प्रभाव होता है। इस मंदिर में अलग अलग अग्नि की जगह अलग अलग लपेटे रहती है, जो अलग अलग देवियों को समर्पित है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि भी हो सकती है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।